हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब से अनुष्का सेन ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो के ड्रामास करने वाली हैं, जब से न सिर्फ उनके इंडियन बल्कि कोरियन फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं और अनुष्का भी टाइम टू टाइम अपने फैंस को अपडेट कर रही हैं। तो दो दिन पहले एक कोरियन न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अनुष्का ने अपने कोरियन एक्सपीरियंस के साथ साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट देते हुए काफी बातें शेयर की जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो हम आपको अनुष्का के इस इंटरव्यू को डिटेल में बताएं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अनुष्का जल्दी अपने न्यू प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर सकती है जिसके लिए इंडियन फैंस काफी एक्साइटेड हैं। तो दो दिन पहले एक कोरियन न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अनुष्का ने बताया कि वो काफी टाइम से के ड्रामास और कोरियन मूवीज देखती आ रही हैं और वो उन्हें काफी पसंद भी करती हैं क्योंकि उनकी स्टोरी काफी अलग होती है। साथ ही के ड्रामास में किसी एक पर्सन को फेस बनाकर स्टोरी आगे नहीं बढ़ाते बल्कि उसमें सभी कास्ट मेंबर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है और यही के ड्रामास को स्पेशल बनाता है। आगे अनुष्का ने कहा कि वैसे तो वो 10 ईयर से इंडियन सिनेमा से जुड़ी हुई हैं और वहाँ उन्होंने काफी वेरियस रोल भी किए हैं, लेकिन लॉकडाउन टाइम में उन्होंने सिर्फ के ड्रामास पर फोकस किया और साथ ही थोड़ी बहुत कोरियन लैंग्वेज भी लर्न की। आगे अनुष्का ने कहा कि वो के ड्रामास देखते हुए अक्सर खुद से कहती थी कि क्या उन्हें कभी के ड्रामास में काम करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद उन्हें किसी ने एशिया लैब के बारे में बताया तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और अपना वर्किंग प्रोफाइल सेंड किया जो कि एजेंसी को काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने एशिया लैब के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्होंने अनुष्का को कोरिया विजिट करने बुलाया जिसके लिए ही वो लास्ट मंथ कोरिया गई थी, जहां उनके मैनेजर ने उन्हें कई मूवी डायरेक्टर से मिलाया और उन्होंने कई ऑडिशन भी दिए जिसके बाद अब उन्हें कई के ड्रामास और मूवीज के लिए अप्रोच किया गया है। साथ ही अनुष्का ने कहा कि उनके फेवरेट एक्टर ली मिन हो हैं और उन्होंने उनके सारे शोज देख रखे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो BTS और ब्लैक पिंक की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि आर्मी उनको भी सपोर्ट करेगी और कोरिया में इंडिया का नाम रोशन करेंगी। साथ ही उन्होंने फनी वे में कहा कि उनका सपना है कि वो एक बार ली मिनो के साथ काम करें। इसके अलावा अनुष्का ने कहा कि कोरियंस काफी हेल्पफुल और स्वीट हैं, जो उनको न्यू पर्सन होने के नाते काफी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और काफी बातें समझा रहे हैं, इसलिए अब वो इस कल्चर के साथ फेमिलियर होती जा रही है। साथ ही उन्होंने हिंट देते हुए कहा कि जल्दी वो एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हैं, जिस पर हमेशा की ही तरह आपकी ओनली की नज़र बनी रहेगी और सबसे पहले आपको अपडेट कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड द मेथो बायो।